आरक्षण में चोरी की घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला गोविंद नगर थाना अंतर्गत 10 ब्लॉक गोविंद नगर में देखने को मिला, जहां राजेश गुप्ता की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बीती रात वो परिवार के साथ सो रहे थे और तभी अचानक आवाज सुनकर वो जागे तो देखा कि दो चोर घर पर रखी अलमारी का ताला तोड़ रहे थे। आहट पाकर चोर भागने लगे तो राजेश ने बाहर आकर शोर मचाया तो चोर अपने साथ लाई स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। चोरी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब स्कूटी की डिग्गी खोली तो उसमें एक सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, एक चांदी की कमर पेटी बरामद की गई। चोर अपने साथ घर पर रखे 3 मोबाइल फोन चोरी करके ले गए। पुलिस ने पीड़ित से तहरीर लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल मैं रात में सो रहा था और सोते समय बीच वाले रूम में मैं सो रहा था बेड के ऊपर, और अंदर वाले रूम में बड़े भैया हमारे सो रहे थे। रूम लॉक था वाला, भाभी जी भी थी साथ में, तो अचानक उनकी चिल्लौट की आवाज मैंने सुनी जिसमें चोर 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 चिल्ला रहे थे। मैं एकदम से बाहर निकला, जैसे ही मेरी नींद खुली वैसे वो चोर भागता हुआ नजर आया मेरे को। तो मैं बाहर निकला, मैंने बाहर उसको देखा तो देखने के पश्चात मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। जब उसको पकड़ने गया तो उसके हाथ में पता नहीं कुछ ज्वलनशील पदार्थ था, पता नहीं केमिकल था क्या प्रकार का, उसने मेरे ऊपर डाला जिसके कारण मैं हल्का सा जल भी गया और थोड़ा सा वो भी हुआ, पैरों में जलन होने लगी। उसके पश्चात जब मैंने उसको पकड़ने की फिर भी मैंने कोशिश की, जब वो स्कूटी से थे वो लोग, एक्टिवा थी 5G और जिसका नंबर मेरे को उसमें है, तो जब उसने पकड़ा, मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो स्कूटी मैंने गिर गई उसकी राइट हैंड पे। तो जब मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने मतलब जेब से कुछ चापर टाइप में होता है जैसे बहुत बड़ा होता है जैसे मटन वगैरह काटते हैं, उस चापड़ से उसने 3-4 बार मेरे पास राउंड पे वार किया जिसमें मेरे बड़े भैया भी थे, हम भी थे, तो हम